Welcome everyone to SRP classes. Okay, tammanago pain pile inorganic chemistry do full selections ani ke slivery 2 mark 3 mark 5 mark पूरा selections देवी सुपर डुपर selection 2025 CHSE बोर्ड एग्जाम पाई. ओके बट selections को जिबा पूर्व छोट मोट इनफॉरमेशन दे दोची पिले वर्तमान तमे SRP क्लासेस रे ये वीडियो टा देखुछो. आमर पिले SRP क्लासेस रो एई चैनल रे तमको बाकी बाकी सब्जेक्ट रो भी प्रिपरेशंस करा जाउची. ओके ऑलरेडी फिजिक्स एग्जाम रो भी क्वेश्चंस दिया जाइतला, आगो को आसुथवा मैथ एग्जाम रो प्रिपरेशंस करा जिवो, बायो रो प्रिपरेशंस, बाकी बाकी आगो को आसुथवा सब्जेक्ट गुडा करबे प्रिपरेशंस करा जिवो. ठीक अछि. एबे पिले कोड आउ भी इन्फॉर्मेशंस दोउची जे तमरो मैथमेटिक्स ऊपर जो प्रिपरेशन टा एसआरपी सर निजे करचंती आ तांकर स्पेसिफिक गोटा चैनल रे करचंती सेटा होची एसआरपी मैथमेटिक्स. ओके एंड पिले तमको लेटेस्ट जो अपडेट सब से अपडेट व्हाट्सएप कम्युनिटी रे दिया जाउची. तो तमे डिस्क्रिप्शन को विजिट करो, डिस्क्रिप्शन रे सब किछि डिटेल रे पाई जिवो, केमेति कम्युनिटी जॉइन करिवार अछि तार लिंक थिबो, पिले मैथमेटिक्स चैनल रो लिंक थिबो, सब डिटेल रे सेठी मेंशन हेतिबो. ताउ लेट करिवानि पिले आमे पोर्शन भितर को पळेइबा, गोटी गोटी रे डिस्कशन करिवा. एठी पिले हमर किछि 2 मार्क वाला क्वेश्चन आमे डिस्कशन करिवा. ओके एक्चुअली 2 मार्क नै पिले, एटा 5 मार्क रो क्वेश्चन फॉर्मेट रे दिया जाईछि. किंतु देखो पिले जेतबळे ए क्वेश्चन आसीबो डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट राइट जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट. ओके एंड ता सहित केतरा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दिया जाय, कलर फॉर्मिंग नेचर, मैग्नेटिक कैरेक्टर, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड. ओके तो देखो पले ये दरकार पले छोट पार्ट रो 2 मार्क बा 3 मार्क रो क्वेश्चन दिया जाय पारे बा या भितर 2 3 टा दे कि एटा देखि ओडे 5 मार्क रो क्वेश्चन बने दिया जाय पारे. ओके तो बोथ टाइप रो जिंसो पाई निजो को प्रिपेयर करकी बा रेडी करकी रखिवो. डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, हाउ डज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन रिएक्ट विथ KI, SO2, Fe2+ and H2S. ओके એટલે पोटेशियम परमैंगनेट कोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हिता है. ओके तो ये जो रिएक्शंस गोडा करइबो ये सब गोडा रिडॉक्स रिएक्शन रहइबो. ता सहित तुमको प्रिपरेशन भी मन रखिया पड़िबो. એટલે चारिटा जक कथा दबोनी या भितर किछि गोटे देकी लॉन्ग क्वेश्चन आसी पारे. ठीक अछि. नेक्स्ट हम देखि दवा डिस्कस द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ K2Cr2O7, राइट द आयोनिक इक्वेशन फॉर इट्स रिएक्शन विथ KI, Fe2+ and H2S. बुझे लगे पहले ये जो क्वेश्चन रहला ये भी सेम टाइप रो, ये जेमति थला ये भी सेम भड़या याद रो लॉन्ग क्वेश्चन आसी पारे. और पहले केवल गोटे गोटे रिएक्शन दे की भी क्वेश्चन दिया जाई पारे, 2 मार्क वा 3 मार्क रो क्वेश्चन सेमति बनिया जाई पारे. ओके किछि 2 मार्क वाला क्वेश्चन हम डिस्कशन कर दबा. 2 मार्क वाला क्वेश्चन है कोन अछि ट्रांजिशन मेटल सो वेरिएबल वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट गिव रीजन. ओके कोन पे ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोड्यूस करे. ओके बस सो करे सिंपल कथा टे कहबे पले डी ब्लॉक एलिमेंट रो मैक्सिमम रीजन अनपेड इलेक्ट्रॉन को नै कि हित है. ओके कोन पई कलर फॉर्मेशन हुए, कोन पई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आसे. ओके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पछे रे रेस्पोंसिबल होची अनपेड इलेक्ट्रॉन और इनकंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल. ओके ताकू नै कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर दिया जाय. एठी वेरिएबल वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट दीची याको पले हमें इबुला एक्सप्लेन करि परिबा जे डी सबसेल जोटा इन्वॉल्व हुए बॉन्ड फॉर्मेशन रे सेटा होची वैलेंसी डी सबसेल सॉरी पेनल्टीमेट डी सबसेल एंड ता सहित वैलेंसी एस सबसेल भी इन्वॉल्व होइता है. तो दुईटा जक इन्वॉल्वमेंट जोगो एठी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल रे कोन ना वैलेंसी एस इन्वॉल्व होला त किछि अलगा ऑक्सीडेशन स्टेट थिबो, पेनल्टीमेट डी इन्वॉल्व होला त किछि अलगा ऑक्सीडेशन स्टेट आसीबो. ताको नै कि आंसर दबो. मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड यूज्ड एज कैटलिस्ट एक्सप्लेन व्हाई. ओके ये भी 2 मार्क वाला क्वेश्चन है परे. ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म ऑलवेज इजीली गिव रीजन, कोन पे ऑलवेज सहज रे बनांती तार रीजन दियो ले साइज ऑलमोस्ट सिमिलर थाए सेति पे ऑलवेज बनै परिवे. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट और डाइक्रोमेट ऊपर पछरा जाउची व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड. तो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट करबा गरम करबा से तोल कोन हो. ठीक अछि. तो ये ही गला किछि 2 मार्क वाला क्वेश्चन. आउ किछि देखि दियो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मैंगानेट एंड परमैंगानेट आयन, मैंगानेट और परमैंगानेट आयन को स्ट्रक्चर लिखिया पले एक्सप्लेन व्हाई कन्वर्शन ऑफ क्रोमेट आयन टू डाइक्रोमेट आयन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन. कोन पई क्रोमेट टू डाइक्रोमेट बट रिडॉक्स रिएक्शन है. रिडॉक्स रिएक्शन होबा पे हेले ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होबा दरकार, किंतु पले क्रोमेट टू डाइक्रोमेट जो कन्वर्शन हुए देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम. So that's why that's not a redox reaction. Mention two uses of potassium dichromate. Potassium dichromate दुईटा यूज संधि मेंशन टू इंपोर्टेंट यूजेस ऑफ पोटासियम परमैंगनेट ये सब यूज मन रखियो वन मार्क रो एमसीक्यू क्वेश्चन व टू मार्क वाला क्वेश्चन पाई परियो. गिव रीजन केमिस्ट्री ऑफ ऑल lanthanoid इज क्वाइट सिमिलर. ओके lanthanoid रो केमिस्ट्री माने कोन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर कोन पाई एक्टिनोइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन lanthanoid कंट्रैक्शन एटाई मन रखियो. व्हाट हैपेंस व्हेन KMnO4 टिके प्रिंटिंग मिस्टेक हिचि पले KMnO4. Okay, so KMnO4. Okay, what happens when KMnO4 is heated alone and with alkali? कौन होगा ये? Okay, what happens when H2S is passed through acidified K2Cr2O7? पिले किसी reactions को नहीं की question है उड़ाको. And ये गोटे important question पिले lanthanoid contraction and write down its consequences. Lanthanoid contraction कौन? Other consequences कौन? Lanthanum is more basic than LuOH whole 3. Lanthanum is more basic than LuOH whole 3. Why? Eko dekhi diyo. Why SM2+, U2+, YB2+ are good reducing agent, but aqueous solution of C4+ is a good oxidizing agent. ये कौन पाई reducing, ये कौन पाई oxidizing. एको ने की विद्या जाए परे. La3+ and Lu3+ are colorless, whereas Sm3+ and Eu3+ are colored. कौन पाई? Okay. And remaining question पिले रहिबो ए भलिया जदि हमें coordination हाँ ये तो हमर सहिला. Next हमर आसीबो coordination compounder question. Coordination compounder देखि दियो पिले ई किछि सेम तमको long question format रे दिया जाइछि. Write the postulates and limitations of VBT, distinguish between inner orbital, outer orbital complex. ओके इके मिस्टेक अछि पिले एठी एटा हे जिवो कॉम्प्लेक्स विथ सुइटेबल एग्जांपल. ओके नेक्स्ट कोन देछि राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ सीएफटी. सीएफटी रो पोस्टुलेट को जिवले स्प्लिटिंग कथा कोनी पोस्टुलेट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पोस्टुलेट कोन एंड डिस्कस अबाउट द स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल. पिले लास्ट ईयर रे ऑक्टाहेड्रल आस्थला रिपीट भी हि पारे टेट्राहेड्रल भी पचरि पारे द दुईटा को प्रिपेयर हि जो सेफ साइड रे निजो को रखिबो. ओके नेक्स्ट हमें देखि दबा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड फार्मूला नेम एको बेस करके क्वेश्चन दिया जाई पारे. पले फार्मूला रो नेम. ओके फार्मूला रो हमें नेम करि परिबा बा नेम रो फार्मूला ना दैथियो फार्मूला करियो को कहिथियो फार्मूला दैथियो ना लिखियो को कहिथियो ता सहित पले कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीएमए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएमए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सीएमए एको बेस करके भी पले क्वेश्चंस दे दिया जीवो. ओके तो एगुडा को सब ए रिलेटेड पोर्शन को प्रैक्टिस करिवो या देरो 1 मार्क 2 मार्क रो क्वेश्चन सियोर थिवो पले. ओके नेक्स्ट हम टिके देखि दवा. नेक्स्ट आसीबो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ओवर नोट्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पले इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे ता सहित पले एक्सप्लेन करिया को दुईटा कथा दे छी. ये कोन पाई डायमैग्नेटिक स्क्वायर प्लेन रे कोन पाई पैरामैग्नेटिक एंड टेट्राहेड्रल. ओके एंड पिले ये एक्सप्लेन करिया पे दिया गला CO Fe(NH3)- इज पैरामैग्नेटिक whereas CO NS3. ओके एटिके मिस्टेक हिची पिले CO NH3)6 3+ इज डायमैग्नेटिक ऑल दो बोथ आर ऑक्टाहेड्रल. ओके ये वाला क्वेश्चन दिया जाई परे. Describe the bonding in Fe(H2O6)3+ and FeCN6(3)- in terms of valency bond theory and crystal field theory. Okay, तो ये भी गोटे क्वेश्चन आसी पारे. कथा बुझी लगी तो मु दुईटा को काई देई छेटी valency bond theory crystal field theory पिले तमे magnetic property color forming character दुईटा को theory basis रे एक्सप्लेन करि पारे. तो ए बडा क्वेश्चन को both side रो ट्राई करो. VBT basis रे भी ट्राई करो, CFT basis रे ट्राई करो, कांसेप्ट क्लियर हि जीवो. एंड जो टाइप रो क्वेश्चन दबो भी तमे आराम से करि परिवो पिले. ठीक अछि नेक्स्ट हम देखि दवा डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ बीवीटी एंड सीएफटी. मो सबथरे बीवीटी सीएफटी मिसै के दोछि तार रीजन होछि एटा पिले. ओके एटा पिले टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अछि. NH3 कैपिटल एन सॉरी कैपिटल एच करिवो एठी NH3. ओके डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पिले ये क्वेश्चन सबतक मिसि गला लॉन्ग क्वेश्चन ही भी पारे. ओके बट पिले मोस्ट ऑफ द टाइम एथरो आंसर आसे क्वेश्चन पछारे कोड गोटी गोटिया पछाड़ दे लिंकेज आइसोमरिज्म ऊपर लेख. ओके बा गोटे क्वेश्चन देइथिबो ता भीतर पछाड़थो एटी को आइसोमरिज्म आसे लिंकेज ना हाइड्रेट ना कोऑर्डिनेशन या रिलेटेड देइथिबो. ओके आ गोटे हम कथा हे जेबा geometrical and optical isomerism important pile geometrical optical square planar au octahedral hi dekhanti tetrahedral to dekhaeni square planar octahedral sabu type ro bi dekhibeni kichhi specific type dekhae ta se oda mone rakhi do cis trans ko uthi asibo okay octahedral le gote fac more isomer ase facial and meridional taku bi mone rakhi do and ta sohito pile तमनको ऑप्टिकल भितरे मन रखिया पड़ियो कोठी मिरर इमेज आसीबो कोठी आसीबोनी ओके डिफरेंशिएट बिटवीन डबल शॉट कॉम्प्लेक्स शॉट बहुत समय क्वेश्चन पर अनआइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड लाइगन बहुत समय आसी चिलेटिंग लाइगन गिव एग्जांपल ये भी बहुत सारा आसी एग्जाम रे हेक्साडेंटेट लाइगन गिव एग्जांपल ओके एंड ए हेक्साडेंटेट लाइगन अंडर रे कोन आसे ईडीटीए ओके इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट बिले ईडीटीए रो स्ट्रक्चर रे कंफ्यूज होवनी इथिलीन डायमीन जेतोबेला हमें कोचे हमें कोन लिखिबा NH2 NH2, okay, then थिबो CH2, then CH2, then आसीबो NH2, मुझे पहले दुई टाकरे N लिखिले H2 लिखिनी, काहेंकी ना H2 लिखी देले ये होला इथिलीन डायमीन, बट तुमको दरकार इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, तामाने चारिटा एसीटेट लगेबो, CH2 COO minus, एटा करो CH2 COO minus, एटा भी सेमती कर दियो, CH2, okay, COO minus and एपटे भी लगे वो CH2 COO minus ओके ये ही गला तुम्हारा EDTA रो स्ट्रक्चर कथा बुझी लगी सिंपल जिनसा रहिबो पिले एंड एतिकी क्वेश्चन थिला पिले ओके इनऑर्गेनिक रो एतिकी क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन अछि आराम से प्रैक्टिस कर दियो बेस्ट प्रिपरेशन हबो पिले आगु को मैथमेटिक्स रो एग्जाम अछि SRP मैथमेटिक्स चैनल को विजिट कराओ सब्सक्राइब करिके रखो मैथमेटिक्स रो बढ़िया बढ़िया कंटेंट सेठी पाई जो सेठी की तो पले बढ़िया से प्रिपेयर करो निजो एग्जाम रो तगड़ा प्रिपरेशन जारी रखो पले थैंक यू सो मच।